हाय फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा लास्ट वाला पल्ला है। तो याद रखना, आपने पेस में जो वन साइड में ही निकलता है और बैक पल्ले में और आर्म्स में मेरे दोनों तरफ से जो जालियाँ निकलती है, बस ये ट्रिक रहती है आईने की। इसके बाद मैं आपको गला बताऊंगी कि गले में कितने फंदे उठाने हैं। ये देखिए, ये ट्रिक है मेरी। इस तरह से मैंने थ्री पिन का इस्तेमाल करते हुए ये देखिए ये मेरा पेस तैयार हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, ये मेरे पेस वगैरह जो मेरे सारे तैयार हो गए। अब मैं आपको नेक बताऊंगी सारे में। और दूसरा, इसमें मैंने आपको एक ट्रिक अलग से बताई थी, ये दूसरी ट्रिक है। ये इसमें कुछ नहीं करना है मैंने। ये देखिए, मैंने इस तरह से ये साथ में बनाते हुए जाना है और प्लेन प्लेन बुनना है। और इस तरह से ये जो है ट्रेंगल शेप में आएगा। ये दूसरा डिजाइन रहेगा मेरा ये फ्रॉक का। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसमें मैंने इस तरह से इन फंदों को मैंने ट्रांसफ़र करना है और साथ साथ में अचेट करते हुए जाना है। ये मैंने हर रो में मैंने इस तरह से इसे, आप चाहे तो सुई का इस्तेमाल भी करें, पर मुझे इजी लगता है। प्लेन प्लेन जाएगा जब तक मेरे यहाँ तक ये ना पहुँच जाए। ये इस तरह की शेप में आ गया और मेरा कंप्लीट हो गया। मैं घटाने जा रही हूँ। मेरा ये ट्रायंगल का बन गया है। और इसके बाद ये वाला भी देख लीजिए दोनों तरफ से। अब मैं नेक के बारे में बता रही हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं जो है बेस धागे में तैयार कर रही थी, फिर जी वाला धागा जो मेरे फिनिश्ड हो गया है, तो मैंने यहाँ से सिर्फ मैंने क्रोशे में कर लिया है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है यहाँ नेक बनाना बता रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मेरा हाई नेक वाली स्वेटर जो मेरी तैयार हो गई है। और ये मेरी आर्म है और ये मेरी ट्रेंगल शेप देखिए कितनी अच्छी बन के आई हुई है। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।